आपको याद ही होगा कि रामनवमी के टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि उनके इलाके से मत जाइए प्रोसेशन लेकर। रामनवमी वायलेंस दैट इज ब्रेकिंग आउट इन कोलकाता, तो जिनसे फायदा होगा उनको अपीस करेंगे, और उनको अपीस करने के लिए जो ओपोनेंट आइडियोलॉजी है उसके ऊपर अत्याचार होगा। जैसे ही गाँव में पहुंचे, गाँव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है, बोली हमारी समझ में नहीं आ रही थी। वो 10-20-50-100-200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगे। यहाँ जो चल रहा है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते, बहुत जरूरी रहते हैं। वो लोग माझे माझे आ जाता है और धमकी देता है। ये हालत ईडी ऑफिसर्स का होगा तो जनता का क्या हालत है सोचिए। 2024 तारीख आप देख लीजिए आज की। ईडी की टीम पर हमला हो गया, घायल हो गए अधिकारी, देखिए आप लघु लुहान हो गए। और 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, तस्वीर आप देख रहे हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद साक्षी। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ कोलकाता से ब्लॉगर रानिता चांदा जी जुड़ रही हैं और वो वेस्ट बंगाल की करंट सिचुएशन पे हमारे साथ इस एपिसोड में चर्चा करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानिता जी हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, आपको धन्यवाद तो आपको देना चाहिए कि आप हमारे स्टेट के बारे में सोच रही हैं, वो हाईलाइट कर रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को जानकारी देना तो बहुत जरूरी है कि देश में बाकी सारे लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली रानिता जी, बहुत सारी न्यूज है जो वहां से आ नहीं रही है, जो हम आप जैसे ब्लॉगर्स के थ्रू ही जान पा रहे हैं। सो थैंक यू अगेन। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी ईडी पर टीएमसी के काडर ने अटैक किया था, और इससे पहले भी वेस्ट बंगाल में सेंट्रल एजेंसीज पर अटैक हुए हैं, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो ये तो पुअरली तो है ही। इन लोगों को लगता है कि ये एक फीफडम चला रहे हैं, जो जिसका इनका जो कानून है ये देश के कानून से थोड़ा अलग है, ये इनको लगता है। इनफैक्ट 2021 में जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था असेंबली इलेक्शंस के बाद, तब जब एनएचआरसी यहाँ विजिट किए थे, उनका रिपोर्ट भी यही था कि यहाँ जो चल रहा है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। तो इसीलिए कोई भी सेंट्रल एजेंसीज यहाँ आते हैं तो उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। ये ईडी के ऊपर जो अटैक हुआ वो मे बी सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप का अटैक था, लेकिन इससे पहले भी हुआ है। एग्जैक्टली 1 साल पहले एनआईए यहाँ आए थे, वो साउथ कोलकाता, साउथ वेस्ट कोलकाता में एक जगह है खिदिरपुर, जहाँ तो शांति दूतों की वो बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग रहते हैं। तो इतना खतरनाक वो एरिया पहले था नहीं जितना अभी भी बन गया है। तो वहाँ पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद एक छोटा मोटा वो क्लैश लगा था, जो बहुत ज्यादा टाइप का, बहुत ज्यादा प्रोपोर्शंस ले लिया था। तो उसके बाद उसको रिपोर्ट किया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एनआईए को वहां आना चाहिए। सो एनआईए जब आए जनवरी 2023 में, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए, उनको घुसने ही नहीं दिया गया। एकदम इसी तरीके से जो लेडीज है उनका, महिलाओं को सामने कर दिया गया। वो लोग चिल्लाने लगे कि हमारे परमिशन के खिलाफ तुम लोग यहाँ कैसे आ सकते हो, और जो मिस्क्रियंस थे उनको शील्ड किया गया। तो ये उनका स्टाइल रहा है, और अभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ये इसके जमाने में ये हो रहा है, पहले भी जब पिछला वाला जो गवर्नमेंट था उनके टाइम में भी ऐसा ही होता था, महिलाओं को आगे कर देना ताकि एक्चुअल जो अपराधी है उनको शील्ड किया जाए, ताकि महिलाएं बोल सके कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ट्रेसपासिंग हुआ है। इनफैक्ट वो संदेश खाली में परसों जो घटना हुई उसके बाद भी इन लोगों ने वही मामला लेके एफआईआर किया है, ये तो इनका स्टाइल है। तो उसके पहले एनएचआरसी के ऊपर भी अटैक हुए थे, जब वो लोग यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस इन्वेस्टिगेट करने आए थे जुलाई 2021 में, तब भी उनका सर फोड़ा गया था, बहुत खतरनाक तरीके से उनको मारा गया था। फिर एक बार नॉर्थ कोलकाता के एक एरिया में 2 बच्चों की हत्या की गई थी, जो एलिगेशन थे कि पुलिस कस्टडी में लेके उन बच्चों को ले जाया गया था, 15-16 साल के 2 लड़के, उनके ऊपर अटैक्स हुए। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स में, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स में कंप्लेन किया गया था, उनके जो अधिकारी थे वो यहाँ आए, यहाँ स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशन के साथ मिलके उन लोगों ने
काम करने की बात की, लेकिन उनके ऊपर भी अटैक्स हुए, तो कोई भी सीबीआई के ऊपर अटैक्स हुए हैं, तो कोई भी एजेंसी बच नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों के दिमाग में ये घुसाया गया है कि एजेंसी जो है वो आपके दुश्मन है, वो आपके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनके ऊपर अटैक्स करना चाहिए। और इसका जो इनिशिएशन है वो पोस्ट वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 में भी रखा गया था, जहां इलेक्शन कैंपेन में ये सब कहा गया था। फिर उस टाइम में नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में शीतलकुची, कुछ बिहार के पास जो शीतलकुची नाम का जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां सीआरपीएफ पर्सनल के ऊपर अटैक किया गया था, और जब उन लोगों ने रिटेलिएट किया, गोली चलाई, तो उसमें एक की हत्या हो गई थी, एक की मौत हो गई थी। तो उसके बाद उसको लेके, उस डेड बॉडी को लेके तो टीएमसी ने बहुत बड़ा बवाल मचाया था कि इसको ये किया, सेंट्रल एजेंसी आके हमारे इनोसेंट लोगों पर, हमारे यहाँ बंगाल के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बोहिरा गौतो, इनका तो एक पेटेंट डायलॉग है बोहिरा गौतो, बाहर का कोई, बंगाल से बाहर कोई, बाहर का कोई ये क्या आते तो उनको बोहिरा गौतो कहा जाता है। बोहिरा गौतो तो जिन लोग, जो लोग एक्चुअली बोहिरा गौतो है, वो लोग तो आराम से यहाँ घुस रहे हैं, रह रहे हैं, सिटीजनशिप भी कुछ उनको, रेशन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा बनाया भी दिया जा रहा है, जो रोहिंग्यास और बांग्लादेश वाले घुसपैठिए हैं। लेकिन भारत के जो नागरिक है उनको बोहिरा गौतो बोला जाता है, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म को बोहिरा गौतो बोला जा रहा है। तो ये जो माइंड है, माइंड सेट है, ये इनके दिमाग में घुसाया गया, तो ये लोग तो इनको अपना शत्रु समझते हैं, तो इसीलिए इनपे जो है पत्थर बरसाते हैं, गोली बरसाते हैं, लाठी से मारते हैं, बहुत इतने मोटे डंडे से मारते हैं, आयरन रॉड से मारते हैं। और सिर्फ मारे ही नहीं थे इन्हीं ऑफिशियल्स का को, उनके पैसे, वॉलेट्स छीने गए, उनके लैपटॉप्स छीने गए, मोबाइल्स छीने गए, ताकि उनमें अगर कोई डेटा या ऐसा कुछ एविडेंस हो उनके खिलाफ तो उसको मिटाया जा सके। सो मे बी दैट वॉज देयर प्लॉय। तो ये तो होता रहा है, और यहाँ आके कोई कुछ कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, इसके खिलाफ को अगर कंप्लेन भी करने जाए तो कुछ नहीं होता। ऐसे भी होता है, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देव देवताओं के खिलाफ, हिंदू रिचुअल्स के खिलाफ, तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आप FIR करें, आइदर तो वो FIR नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसीलिए इस टाइप के लोगों को तो एकदम इनकरेजमेंट मिल जाता है। देखिए ना, परसों जो घटना घटी, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई बात कोई बीजेपी रूल स्टेट में होता तो ये लोग छोड़ देते, कुछ नहीं हुआ। और कल मैं टीवी में देख रही थी कि टीएमसी का जो स्पोक्समैन है वो तो उसको जस्टिफाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि वी आर कंडेमिंग इट। हाउएवर, कंडेम करने के बाद हाउएवर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई कुछ भी करे, लेकिन कानून तो कोई अपने हाथ नहीं ले सकता ना। तो पुलिस कहाँ थी जब ये घटना घटी? पुलिस कहाँ थी? पुलिस का कहना है हमें नहीं बताया गया था तो इसीलिए हम वहां नहीं थे। ये तो गलत बात है। इतना बड़ा घटना घट गया, ईडी बताए या ना बताए, कोई उनको तो खबर होनी चाहिए थी, तो वो लोग कभी नहीं पहुंचे क्यों? और ईडी का तो कहना है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, ऐसा तो उन लोगों ने कहा, प्रेस स्टेटमेंट में कहा। फिर ना बोलने का बात क्या हो रहा है? दोनों में से कोई एक तो सच नहीं बोल रहा है। और जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस को तो वहां पहुंचना चाहिए था। अगर ये हालत ईडी ऑफिशियल्स का होगा तो जनता का क्या हालत है, सोचिए। तो ये का जनता कितने डर में रह रहे हैं। और भी बहुत सारे डरावनी घटनाएं हमारे कानों तक आती है, लेकिन उनका तो कोई सबूत नहीं है, तो इसीलिए पब्लिकली बताना भी मुश्किल है। पर बहुत सिचुएशन जो है बहुत टेंस और बहुत डरावना है। कोलकाता में रह के लोगों को कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स के तरफ मूव करें तो आई मीन आप जाएंगे तो आपको एक फील आएगा कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ टेंशन तो है ही। तो ये हालत है यहाँ का, और ये तो पहली बात नहीं। आपने देखा कि नुपुर शर्मा इंसिडेंट में भी कितना खतरनाक तरीके से बसेस, ट्राम्स चला गया था, ट्रेन बहुत घंटों तक एक ट्रेन को रोका गया था। ट्रेन में कुछ पेशेंट्स थे जो साउथ में गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका वहां ट्रेन में बैठे बैठे उनका मौत भी हो गया। तो इतनी खतरनाक सिचुएशन है, और उनको संभालने में कोई कुछ करता भी नहीं है। रामनवमी के प्रोसेशन में पत्थरबाजी हुई, और ये बहुत हर साल होता है, तो ये सब तो यहाँ चलता ही है।
तो कौन रोकेगा? तो आप बोलिए, तो इससे ही तो पता चलता है, हर रोज कुछ ना कुछ तो घटना घटती है और न्यूज में आ भी जाता है, तो ये हालत है यहाँ का। जैसा कि आपने बताया कि वो महिलाओं को आगे करते हैं और उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, इनफैक्ट वही चीज हमने सीएए के दौरान भी देखी थी, जब उन्होंने महिलाओं को आगे किया और पूरे प्रोटेस्ट में इट बिकेम अ यू नो विमेन लेड प्रोटेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इनका मोडस ऑपरेंडाई बहुत क्लियर है, खुद को कैसे बचाना है। Having said that, अभी इस इंसिडेंट के बाद ईडी पर जो ये अटैक हुआ है, इसके बाद जो टीएमसी के एक नेता है शाहजहान शेख, उन्होंने खुलेआम धमकी दी है बीजेपी नेताओं को कि आपको एग्जीक्यूट कर देंगे इफ यू आर एंग्री। जस्ट इमेजिन देयर गट्स, इट्स नॉशिएटिंग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या बंगाल में आज जो एक नेता किसी एक यू नो ऑपोजिशन पार्टी का नेता जब सेफ नहीं, तो आप जैसी आम जनता खुद को एकदम क्या सही बात सेफ है। महसूस fact, करते हैं? जो धमकी उसने दी थी वो पहले दी थी, ये उसका फर्स्ट फर्स्ट जनवरी का रिकॉर्डिंग है। पता नहीं उसको शायद लगा था, कोई हिंट था कि उसके ऊपर शायद रेड होने वाला है, तो इसीलिए इसने ये धमकी वमकी दे के डराने की कोशिश की। तो रेड के पहले पता नहीं ये कहीं जाके छुप गया होगा, क्योंकि अभी तो उसके लिए लुकआउट नोटिसेस है, और उसके बाद उसने कोई ऑडियो मैसेज भेजा है अपने लोगों के लिए कि तुम डरो मत, मैं ठीक हूँ, अपना काम करते जाओ, इनसे मत डरो, ये वो, उसको रिजिस्ट करो, ये सब जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स करते हैं, एकदम उसी स्टाइल में, पूरा एकदम टेरर आउटफिट की तरह उसने इस टाइप का ऑडियो मैसेज भेजा है। बहुत ही इससे पहले भी हमने देखा है बहुत लोग भागे हैं, फिर उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन किसी ने इस टाइप का ऑडियो मैसेज नहीं भेजा जैसे कि इसने भेजा है। तो इसका माइंडसेट एकदम टेररिस्ट माइंडसेट है, और ये जो आदमी है ये पहले लेफ्ट में था, उसके बाद पीएमसी में आया, और 2019 में भी इसने बहुत कुछ लोगों का हत्या किए हैं बहुत खतरनाक तरीके से, उनके आंखों में गोली मार के, बताने से भी हमारे बहुत इरिटेशन या कुछ ऐसा फीलिंग होता है इसकी एक्टिविटीज के बारे में अगर हम बताए भी, तो ये एकदम रेप्यूटेड है इस टाइप के एक्टिविटीज के लिए, तो ये बात तो सही है। और इनफैक्ट वो टीएमसी का स्पोक्समैन कल जब टीवी में आया था, वो खुद मान रहा था कि एरिया सेंसिटिव है। सेंसिटिव का क्या मतलब? एरिया सेंसिटिव कैसे हुआ? एरिया को सेंसिटिव इसलिए किया गया है कि वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो इसमें तो सरकार का फेलियर ही नजर आता है कि आप लोगों ने एरिया को सेंसिटिव होने दिया, वहां कोई सीधे तरीके से घुस नहीं सकता, कोई घुसेगा तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे, लोग उनको एकदम ऐसे सस्पिशन की नजर से देखेंगे, ये कौन है, क्यों आया है, तो इस टाइप का मेंटेलिटी उन लोगों का है ही क्यों, उनको सेंसिटिव बनाया गया क्यों। तो कुछ कुछ एरियाज में अगर आप जाएंगे भी यहाँ, तो इस टाइप की इनसिक्योरिटी आपको फील होगी, वहां आप कोई प्रोटेक्शन के बिना जा भी नहीं सकेंगे, तो ये हालत है। तो सच में तो ये, और उसने कहा कि हम देख लेंगे जो भी हो, यहाँ तो हमारा शासन ही चल रहा है, जहां भी हो, वो असेंबली में हो, म्यूनिसिपैलिटी में हो, पंचायत में हो, हम ही पावर में है, तो हम देख लेंगे, नेताओं को मार देंगे, ये करेंगे, कार्यकर्ताओं को मार देंगे, तो ये बोल रहा है ओपनली एकदम धमकी देके। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसने 2021 इलेक्शंस के बाद इसने क्या किया होगा हमारे माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, और बाकी सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, और नॉर्मल लोगों के ऊपर भी। तो ये खतरा तो है, और ये इसलिए ये बोल रहा है कि देखो मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ, तुम्हारे नेताओं को अगर मैं धमका सकता हूँ तो तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, समझो तो फिर हमसे डरो। ये डराने के लिए ही डेलिबरेटली ये इस टाइप की गीदर भक्की ये कर रहा है, और ये इतना ब्रेव अगर होता तो इतना पावरफुल इतना होता तो वो भाग क्यों गया, वो फेस करता, ईडी को फेस करता, ये अगर इतनी ऑनेस्ट है, इतना साहसी है, तो ईडी को फेस करता, ये फेस क्यों नहीं किया, भाग क्यों गया। Exactly. भागते तो कायर लोग हैं, तो ये तो अपना कायरता का ही प्रमाण दे दिया ना भाग के, तो यही हालत है। अब देखते हैं 48 आवर्स लुकआउट नोटिस है, इसको कब पकड़ा जाता है देखेंगे, पुलिस को भी कहा गया है, और पुलिस क्या एक्शन लेती है ये भी देखने की बात रहेगी यहाँ, तो उससे भी पता चलेगा कि हम लोग कितने सिक्योर है या कितना आशा हम कर सकते हैं हमारे रक्षाकर्ताओं से स्टेट में।
जिनको वोट देके पावर दिया गया। राइट, सुभाष चंद्र बोस का जो बंगाल है आज की डेट में वो रोहिंग्यास और ये जो बांग्लादेशियों है ना, बांग्लादेशी है, इनका एक सेफ हेवन बन गया है। व्हाट हैज चेंज्ड इन द लास्ट से फ्यू डेकेड्स? व्हाई हैज बंगाल डिटेरियोरेटेड टू सच एन एक्सटेंट कि जो एक बंगाल का नेटिव बंगाली है, एथनिक बंगाली है, वो सेफ नहीं है, लेकिन जो बाहर से आए हुए रोहिंग्यास और बांग्लादेशी है वो खुद को बंगाल में आके, हमारे हिंदुस्तान के बंगाल में आके खुद को सेफ फील करते हैं? ऐसा क्या बदल गया? इसीलिए हमारे यहाँ का लोग जो है वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, उनको तो डराया धमकाया जाता है कि नहीं तुम नहीं जाओगे, घर से निकलोगे नहीं वोट के लिए, और उनका वोट दिया जाता है, कोई और जाके छप्पा मार के दे देते हैं। और ये रोहिंग्या लोग जो है, ये लोग तो वोट बैंक है इसीलिए। और बंगाल का जो मेंटालिटी का बात है वो बहुत बहुत सालों से कल्चरल मार्क्सिज्म के अंडर है। मार्क्सिस्ट जो लोग है, लेफ्टिस्ट जो लोग है, बहुत आसानी से, बहुत सटली ये मार्क्सिज्म का जो विष है इनके दिमाग में घुसाता आया है। और ये एक दिन दो दिन में नहीं हुआ है, 1977 साल में जब ये लोग पहली बार पावर में आए थे तब नहीं हुआ है, उससे बहुत पहले से हो रहा है, शायद 100 साल से ही हो रहा है, बहुत सटली। पहले ये लोग रेवोल्यूशन, एक फॉल्स रेवोल्यूशन का नाम करके लोगों को भड़काया, फिर जब हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी एक रेवोल्यूशन, ये सबके लिए हम राइट्स देंगे, ये सब कह कह के लोगों के दिमाग में ये कल्चरल मार्क्सिज्म घुसाया, जिसमें इन लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट बिजनेस का टूल्स जैसे थिएटर, फिल्म्स, म्यूजिक, ये सब कुछ यूज किया करके लोगों के दिमाग में ये घुसा दिया, लोगों को जो पढ़ना चाहिए, जो जानना चाहिए, जैसे कि हमारे ठाकुर रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी, इनके बारे में बहुत कम कहा गया है। इनका वर्क्स अगर ये लोग पढ़ते, इनके लाइफ के बारे में अगर बहुत ज्यादा जानते तो ये नहीं होता, उनको गलत लिटरेचर, गलत बातें, ये सब सिखाया गया है, बताया गया है। तो इससे इनका दिमाग ऑलरेडी तो इनके दिमाग में इतना सारा विष जो चल गया है, तो इसीलिए ये अपना अच्छा बुरा समझ भी नहीं पाते। तो इसीलिए जब दिमाग में वायरस आ गया हो तो इस टाइप का वायरस, बाहर से आया हुआ वायरस को आने में बहुत आसानी होती है। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है ये अभी नहीं चल रहा, ये तो एकदम लेफ्ट के टाइम से ही इन लोगों ने ही शुरू किया था। इनफैक्ट आप रिकॉल करोगे कि 2005 में पार्लियामेंट में ममता बनर्जी जब एमपी थी, उन्होंने खुद एक पैम्फलेट वेल में, पार्लियामेंट के लोकसभा के वेल में जाके स्पीकर के टेबल पे मारी थी, जिसमें उन्होंने खुद एलेज किया था कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो इतना सच है, तो सबको ये पता है, तो करेक्ट, आई रिमेम्बर। इसीलिए अभी इनको आसान हुआ है, इन लोगों को अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं है, ये लोग तो इन बाहर वालों को, रोहिंग्या एक्सेट्रा को रोमांटिसाइज करते हैं, तो अभी तक उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना खतरा है उनके सामने, कि उनके सामने वो जो तलवार है वो ऐसे डैंगल कर रहा है पेंडुलम की तरह, ये इनको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये बात आसान हो रहा है, तो इनको समझाना, इनकी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक इनको अवेयर नहीं किया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तब तक ये ऐसे करते रहेंगे, नहीं तो जब तक इनके साथ खुद नहीं होता तो ये समझेंगे नहीं। अभी तो वो संदेश काली में हुआ है जो बहुत दूर है, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं बोशीघाट जाने में, तो वो तो कोलकाता में अपने एसी रूम्स में आराम से बैठे हुए हैं, तो इनको इसका कोई पता ही नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को तो शायद पता ही नहीं कि ये क्या हुआ है और जो हुआ है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो लोग तो मजे ले रहे हैं, यही बात है। और जिन लोगों को पता है वो, हाँ मैं बोल नहीं रही हूँ कि सब ऐसे हैं, जिन जो लोग अवेयर है उनमें भी बहुत संख्या उनका भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर है। सो बंगाल में अभी जो सिचुएशन है, अभी जो कुछ हुआ उसमें वहां की सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, प्लस जो ये हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है, क्या ये सब वोट बैंक, वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है? वो लोग तो यूनाइटेड ही नहीं है, ये तो सबको पता है। देखिए, आप जो खाएंगे आपको पॉलिटिकल पार्टीज वही खिलाएंगी, अगर आप यूनाइटेड नहीं है, अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, आप उनको, आप अगर कॉन्शियस नहीं है,
आपको जो भी दिया जा रहा है आप वही ले रहे हैं, आप सवाल नहीं करते, सवाल करने से डरते हैं, क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, किसको क्या चाहिए वो पता नहीं है, तो ये होगा ही, तो इनको ग्रांटेड ही लिया जा रहा है। जो लोग यूनाइटेड है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो भी हो अधिकार, वो न्याय करने का अधिकार हो या न्याय करने का अधिकार हो, एकदम एकजुट हो जाते हैं। एकदम स्ट्रेंजर लोग है जो एक दूसरे के खुशी में और दुख में एकदम आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही तो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पता है कि ये लोग जो है दे वोट इन फ्लॉक्स, दे वोट इन ऑमास, तो इनको ही साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उनको फायदा होता है, तो नेचुरली यही होगा, तो जिनसे फायदा होगा उनको अपीज करेंगे, और उनको अपीज करने के लिए जो ओपोनेंट आइडियोलॉजी है उसके ऊपर अत्याचारी होगी, और अत्याचार रोकने के लिए अगर कोई स्टेप नहीं होगा, कोई यूनाइटेड नहीं होंगे, तो ये तो चलेगा ही। तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत फिर भी कुछ सालों में फिर भी यूनिटी बढ़ा है, अभी अभी तो रेजिस्टेंस फिर भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज ही एक फोटो आया, पता नहीं इनका पुष्टिकरण नहीं हुई है, किसी ने पोस्ट किया था कि बोशीघाट में बहुत सारे लोगों ने भगवा झंडा पोत दिया, तो वो उस एरिया में नहीं होगा, तो उसके आउटस्कर्ट्स में होगा, अगर होगा भी फिर भी ये बहुत बड़ा स्टेप है कि ठीक है कुछ तो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस टाइप से अगर होता रहेगा फिर शायद ये अवेयरनेस बढ़ेगा, फिर अत्याचारे कम होगी शायद, लेकिन जब तक ये नहीं होता, एकदम फुल फ्लेज्ड यूनिटी नहीं होता, तब तक तो अत्याचार बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ तो सरकार भी अपने नहीं है, तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि पुलिस या कोई जाके इतना कुछ करेगा भी नहीं, जो पहले भी बोला है कि अगेंस्ट अगर FIR भी हो जो हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर करते हैं या हिंदुओं को इंसल्ट करते हैं या सोशल मीडिया में या कहीं भी कुछ ऐसा कुछ लिखते या बोलते हैं, उनके अगेंस्ट FIR होता भी तो कोई कुछ नहीं करता, तो जब ये होने लगेगा तब नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो भी हो कॉन्शियस हो जाएंगे, ये बात है, और ये तो यहाँ तो बहुत सालों से हो रहा है, एकदम नियरली हाफ अ सेंचुरी से हो रहा है, तो ये तो अभी नॉर्म हो गया है, यहाँ बहुत दिनों से कुछ होता है तो लोग बोल ही देते हैं इट इज इंट्रिंसिक टू आवर बंगाली कल्चर, तो अगर ये होता है तो ये लोग बोलेंगे दिस इज ऑल्सो इंट्रिंसिक टू आवर कल्चर, कुछ लोग जैसे इंटेलेक्चुअली एनलाइटेड एलीट्स जो होते हैं ये लोग ही बोलेंगे, तो इसीलिए यूनिटी बहुत जरूरी है, हो रहा है अभी एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट पे तो हो ही रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है हम लोगों को, अगर आप बंगाल में आएंगे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में गांव में जाएंगे तो वहां आपको थोड़ा भगवाकरण देखने को मिलेगा, एकदम से वो हो रहा है, एकदम नेगेटिव नहीं है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो अभी दिखाई पड़ रहा है सब। रानिता जी, हमने सुना है कि बंगाल में अब बांग्ला की जगह उर्दू ने ले ली है, क्या ये बात सच है? अब अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ ऑफिस एरियाज में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वहां ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है, इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हो रहा था कुछ दिनों पहले, पता नहीं ये वीडियो कब का है, जहां कोलकाता का जो मेयर है फिराद हकीम, वो बोल रहे हैं एक दिन आएगा जब यहाँ 50% लोग उर्दू में ही बात करेंगे, तो ये जब का भी वीडियो हो, वीडियो तो गलत नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो लोग बोलते कि फोटोशॉप्ड है या एडिटेड है या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, वीडियो रिसेंट हो या पुराना हो, लेकिन ये बहुत मेनेसिंग वीडियो है, इसे डर लगने की बहुत ज्यादा बात है, ऐसा वो चाहते क्यों है, जिस जगह का जो भाषा है उसी भाषा में लोग बात करेंगे, एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि ये बंगाल बंगालियों के लिए है, बांग्ला बोलना चाहिए सबको जो यहाँ रहते हैं, तो बांग्ला सीखना चाहिए, बांग्ला पॉपो नाम का एक गुट है जो इनका ही सैटेलाइट है, बताते नहीं लेकिन इनका ही सैटेलाइट है, बिकॉज उनका जो चीफ है वर्गो चैटर्जी, वो उनका स्पोक्समैन रहा करता था एक समय, टीवी में इनके लिए बोला भी है, तो ये अगर बंगाली में इंसिस्ट करते हैं तो आपका रिलीजन जो भी हो, आप किसी भी धर्म मानते हो, आपको तो बात बांग्ला में करना चाहिए, फिर 50% उर्दू की बात आ ही क्यों रहा है, तो ये बात तो सच में डरावनी है, और जहां जहां जाते हैं जिनको ये सेंसिटिव एरिया, ये लोग ही बोलते हैं सेंसिटिव कोट अनकोट उनका इलाका, आपको याद ही होगा कि रामनवमी के टाइम में हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि उनके इलाके से मत जाइए प्रोसेशन लेके, तो वो कोट अनकोट उनका इलाका, कोट अनकोट सेंसिटिव एरिया, वहां तो सारे ऐसे वही लैंग्वेज, और नॉर्मल एरियाज में भी, कमर्शियल एरियाज में हो,
या जहां भी हो उनका स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ आता है तो वहां भी वो लैंग्वेज में वो होर्डिंग एक्सेट्रा लगाया जाता है, तो ये तो उनको अपीस करने के लिए ही होता है। तो ये तो होना ऐसा क्यों होता है तो ये लोग बोल सकते हैं। ये तो एकदम डबल स्टैंडर्ड्स हो गया, एक तरफ बांग्ला बोल रहे हो प्रमोट करो, जब हिंदी स्पीकिंग लोगों के ऊपर, हिंदी भाषियों के ऊपर तो वो तो नहीं करना चाहिए, और एक तरफ नहीं हो रहा। करेक्ट। एंड एनी विच वेज जो भाषा होती है वो किसी भी कल्चर का जो जो एक हुक होता है ना, एक हिंज होता है जिसपे वो पूरा कल्चर टिका होता है, वो भाषा ही होती है। आप भाषा छीन लीजिए, कल्चर धीरे भाई धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक खुद ब खुद डिमोलिश होना शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंस अगर ऐसा कुछ वहां हो रहा है, बट क्योंकि हम यहाँ खबरें देखते तो हमें यही देखने सुनने को मिलता है। तो रानिता जी एक आखिरी सवाल, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल के लोगों को फेल किया है? क्योंकि बार बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि आप वहां रहती हैं, तो आई थिंक यू आर इन अ ऐसा बेटर तो पोजीशन मुझे टू याद है कि ऐसा एनलाइटन कुछ अस ऑन नहीं होता है, दिस एस्पेक्ट। क्योंकि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्वासी क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ स्टेट का बहुत सारा पावर्स है, लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस स्टेट के हाथों है तो सेंटर तो आगे आके उसको कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो उनको ही देखना है कि कैसे किया जा सकता है, कि कैसे करते हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे। यही बात है, अगर उनको कुछ करना भी है तो वो जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिसॉल्व कर भी दें तो कितने दिनों के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल। उसके बाद जो होगा, ये लोग इन लोगों को विक्टिम प्ले करने का जो मौका है, मौका मिल जाएगा, और मौका मिलने के बाद वो लोग और भी एकदम फुल पावर और फुल मेजोरिटी के साथ वापस आ जाएंगे। तब तो लौटने का कोई जगह नहीं, और तब वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग जो बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन 355, 356, इससे और भी खतरा बढ़ सकता है। इनफैक्ट लगता तो है कि ये लोग अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इसको व्हाइट वॉश करने के लिए, ये जो करप्शन है जिसके लिए इनके नेताए सपोर्टर्स लॉयलिस्ट मिनिस्टर जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, इससे बचने के लिए शायद ये लोग प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो जाए, ताकि इनको विक्टिम प्ले करने का मौका मिले, अपोजिशन में जाके विक्टिम प्ले करने का मौका मिले, और वो और भी फुल फोर्स और मेजोरिटी के साथ वापस आए और ना ही जाए। यही इनका लुकआउट है, तो करेक्ट। इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा। हमको देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में इनको एकदम के लिए हटाना है या फिर 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए हटा के कुछ होगा नहीं, और सेंटर जो है देखिए वो तो कर ही रहा है, क्योंकि ईडी ने अपना एक्शन स्टॉप नहीं किया, फिर भी जाके रेजिस्टेंस हुआ हुआ, फिर भी और एक जो है इनका जो लीडर जिसको अरेस्ट भी किया उसी रात, और रेड भी चल रहा है वहां, उस एरिया को घेर के भी रखा हुआ है, और जो सारे केसेस हैं जो टॉर्चर्स हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा लग नहीं रहा, इनफैक्ट जो है शायद कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। जब पोस्टपोल वायलेंस हुआ तब EBVP वालों ने बहुत सारी मदद की, मैंने खुद देखा था, और फिर इन लोगों के लिए कुछ रिलीफ कैंप्स का भी बंदोबस्त किया गया था, जिनको घर से भगाया गया था या ऐसा कुछ, उनको वहां रखा गया था, बहुत सारा सपोर्ट दिया गया था। बहुत सारे जो MLAs MPs एक्सेट्रा थे उन लोगों ने इनको मदद की, मैंने खुद देखा। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया था, हम तो बंगाल में ही बड़े हुए हैं, यहाँ पूरा बचपन बीता ये देखते कि ये सब जो है मारा मारी एक्सेट्रा बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जैसे कि पहले वो लेफ्ट और कांग्रेस था, तो कांग्रेस वर्कर्स को भी मार खाते हुए हम लोगों ने देखा। तब जो कांग्रेस का जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप या कुछ, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने कभी सपोर्ट ही नहीं दिया। लेकिन अभी जो है ये ऐसा नहीं दिख रहा है, सपोर्ट तो दिख रहा है। हाँ, उनको शायद कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको बताना चाहिए, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, और अगर आप ये बोलेंगे भी वो लोग बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है, अगर ऐसा होता तो अभी तक इतने सारे कार्यकर्ता कैसे
भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, आप किसी भी रैली देखिए, कहीं भी जाइए, इतने इतने लोग उस दिन कुछ दिनों पहले हम लोग एक सोशल मीडिया मीट में गए थे, लोग एकदम खिड़की दीवार तोड़ के घुस रहे थे अंदर, इतने सारे लोग आ गए थे, कैपेसिटी जो था उनसे 4 times लोग आ चुके थे, तो इतना सपोर्ट बेस है, इतना एंथुजियाज्म है लोगों के बीच, एंड दे वर सो एक्साइटेड, वो लोग एकदम दे वर सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ देयर लीडर्स एंड ऑल। तो अगर ऐसा होता तो नहीं होता ना, तो ऐसा ऐसी बात नहीं है कि एकदम छोड़ दिया गया है, तो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रह के जो काम करना पड़ रहा है, तो शायद वही लिमिटेशन है, पता नहीं, मे बी दे शुड फ्लेक्स देयर मसल्स मोर, ऐसा हो सकता है, बट अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम छोड़ दिया है। अगर ऐसा होता तो नेता है बार बार बंगाल में नहीं आते, एनकरेज नहीं करते, स्ट्रेटजीज नहीं बताते, तो ये तो हो रहा है का जो भी मतलब समझे। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ के बंगाल के लोग इतना ज्यादा परेशान है, सालों से परेशान है, तो नेचुरली वो लोग थोड़ा इम्पेशेंट होंगे, और वो लोग तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो उनके एक्सपेक्टेशन में भी कोई गलती नहीं है, तो इसीलिए उनको लगता है कि और ज्यादा करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कोलैटरल डैमेजेस हो रहे हैं, तो दोनों तरफ ही ठीक है, इसीलिए उनके आशाओं आशाएं जो है, जो अपेक्षा वो जो सेंट्रल लीडरशिप से करते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन कर भी वो भी कर नहीं रहे हैं ऐसा भी नहीं है, तो दोनों तरफ ही सही है। इनफैक्ट यू नो, रिसेंटली वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने भी बोला है कि वेस्ट बंगाल इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, तो ऑल द होप इज नॉट लॉस्ट, एंड आई थिंक जो लोगों को ना सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद है, तो उनको ये समझना चाहिए कि गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो भी करेंगे वो उसी स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशनल यू नो उसी फ्रेमवर्क में रहकर ही करेंगे। On that note, Ranita ji, thank you very much for joining us from the heart of Bengal and sharing these insights with us. And one word for you, Ranita ji, stay safe, because हम यहाँ से जो देखते हैं हमें भी डर लगता है. So your safety is paramount. And on that note, we'll end here.